हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आराध्या खरी ब्लॉग में। और आज है सभी का बर्थडे, तो हम लोग करने वाले हैं बर्थडे पार्टी। अभी देखो सभी के लिए केक आ चुका है, जिसको ओपन किया है। इतना सुंदर केक है और अभी पूरी तैयारी हो चुकी है बर्थडे सेलिब्रेट करने की। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको लास्ट तक बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए सभी की दादी बैठी हुई हैं, ये साथ में अलीगढ़ वाली दादी भी हैं और ये कासगंज वाली दादी। इसके अलावा सभी को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से सभी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन आराध्या बिल्कुल हैप्पी है, आराध्या बहुत खुश है। लेकिन आराध्या बोल रही थी कि मुझे भी ऐसा केक चाहिए मेरे बर्थडे। तो इस बार आराध्या का बर्थडे अच्छे से मनाएंगे और उसका भी एक और ब्लॉग बनाएंगे। अभी देखो यहाँ पे थोड़ी मस्ती करते हुए बच्चे लोग, और आराध्या बहुत एक्साइटेड है केक को देख के। तो उसको लग रहा है कि अभी जल्दी से जल्दी केक कटे कैसे भी। ये आराध्या की मौसी देखो, आराध्या की नानी बैठी हुई है। तो मतलब काफ़ी अच्छा दिन था, आराध्या ने काफ़ी इंजॉय किया। और ये देखो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी का जन्मदिन होता है तो इस तरीके से पूजा की जाती है और लोग थोड़ा थोड़ा पैसा भी देते हैं। अभी कह रहे हो बर्थडे है तो लोग पैसा देंगे। ये देखो ये इसको पहले इसको टीका कराना था। ये देखो भाई आराध्या की मौसी सबका टीका करते हुए। ये आराध्या की मामी हंसते हुए। अभी सभी को बोल रहे थे केक काटो केक काटो, लेकिन सभी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाय तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय रे तेनु हैप्पी बर्थडे नी, लेकिन उसको हाय रे तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय रे तेनु हैप्पी बर्थडे नी, के देना 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 सूट तेनु पटियाला शाही सोनिए लेके देना, सूट तेनु पटियाला शाही सोनिए लेके देना। और बच्चों ने बलून हाय रे तेनु हैप्पी बर्थडे नी,